जम्मू कश्मीर की सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सकीना इट्टू धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोपों से घिर गई हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता सकीना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक शख्स को धर्म के नाम पर कसम देकर वोट मांगते हुए नजर आ रही हैं। उधर उमर अब्दुल्ला ने अब सकीना का बचाव करते हुए इस वीडियो को पुराना बताया है। वोट की सियासत में धर्म की कसम। खुदा की कसम के सहारे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वीडियो को गौर से देखिए। एक बुजुर्ग शख्स से बातचीत कर रही ये हैं उमर अब्दुल्ला सरकार में समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू। सकीना पर आरोप है वो इस शख्स से धर्म के नाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की गुहार लगा रही हैं। अपने समर्थकों के साथ इस बुजुर्ग आदमी के घर पहुंची सकीना इससे जबरदस्ती वोट मांग रही हैं। देखिए कैसे इस बुजुर्ग आदमी को कुर्ता पकड़कर मंत्री जी जबरदस्ती खुदा की कसम दिला रही हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है ये बुजुर्ग कसम खाने के लिए मना कर रहा है। वो बार बार कह रहा है कि वो सकीना इट्टू के लिए काम करेगा लेकिन कसम नहीं खाएगा। बावजूद इसके मंत्री का तरीका नहीं बदला। इसके बाद तो सकीना ने हद ही कर दी। अब पवित्र धर्म ग्रंथ है कुरान की आयतों की कसमें दिलाने लगी। जबरदस्ती वोट की कसम दिलाने के बाद ही सकीना इट्टू मानी, लेकिन इस वीडियो की वजह से अब सकीना कटघरे में नजर आ रही हैं। लेकिन सकीना इट्टू के लिए राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। खुदा और कुरान के नाम पर वोट मांगने वाली मंत्री का बचाव सूबे के मुखिया उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर के सहारे किया। अपने ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा, ये वीडियो पुराना है और वो वीडियो में किसी को धमकी नहीं दे रही है, और वीडियो में मौजूदा बुजुर्ग आदमी को सकीना के पिता का पुराना आदमी बताया। मैंने सकीना से बात की, ये वीडियो चुनाव आचार संहिता लागू होने से कई महीने पहले का है। वो किसी को डरा नहीं रही, ना किसी को गाली दे रही हैं। वो अपने पिता के पुराने साथी को वापस आने के लिए मना रही हैं कि वो पार्टी के लिए काम करें क्योंकि वो थोड़ा नाराज हैं। मुझे पता है कि पीडीपी घबराई हुई है, लेकिन पुराने वीडियो फुटेज के आधार पर चुनाव आयोग को गुमराह करना पीडीपी की हताशा को दर्शाता है।